कितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितना भी रिविजन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, टेस्ट सीरीज देने का जिसको आदत नहीं है वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। प्रैक्टिस में आप जितना काम रहोगे, जितना अच्छा से करोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे गेट एग्जाम में। प्रैक्टिस में ही अगर घबरा जाओगे तो कहाँ से परफॉर्म कर पाओगे। आप रिवीजन करोगे ना बाद में, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक को कैच करना है। अब डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर लिख दिए हो तो कैसे आप रिवाइज में उसको पकड़ पाओगे। 20 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर हर एक क्वेश्चन में अगर आप 3 मिनट लेते हो तो 20 × 30 दैट मीन्स 1 आवर का टास्क आपने बेकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आप स्पीड में बनाने की कोशिश किए और जिसकी वजह से मिस्टेक हुई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो ये हमारा फर्स्ट टेलीफोनिक रिपोर्ट है। मैं आपको बता दूँ, पिछले दो दिन मतलब आज तो मैं ऑन नहीं किया हूँ, पिछले 2 दिन से मैं आपका टेलीफोनिक कॉल ले रहा हूँ। जो भी हमारे स्टूडेंट है, चाहे वो इनरोल्ड स्टूडेंट हो या फिर इनरोल्ड स्टूडेंट नहीं हो, यूट्यूब कम्युनिटी के स्टूडेंट हो, उनके लिए मैं एक नंबर दिया था जो डिस्प्ले होगा। आई थिंक 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था, 3 दिन पहले, तो वो आप अगर देखे होगे तो हमने उसमें कहा था कि स्टूडेंट आप हमें कॉल कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू, उसको हम रिजोल्व करेंगे। तो मैक्सिमम जो हमारे पास कॉल आए थे उसमें से जो इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उनके कुछ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, कुछ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस एवरेज थे, कुछ स्टूडेंट के परफॉर्मेंस बिलो एवरेज थे। और सबका यही कहना था कि सर हमने पढ़ तो लिया, सारा चीज़ हमारा कंसेप्ट क्लियर है, सब चीज़ सही है, लेकिन जब मैं टेस्ट सीरीज देने जाता हूँ तो वहाँ पे मिस्टेक ज़्यादा हो जा रहा है। किसी का 30 मार्क्स का मिस्टेक हो जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मेजोरिटी अराउंड 80-90% जो हमारे पास इशू आए थे वो कैलकुलेशन मिस्टेक के इशू आए थे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। तो हमारे जो इनरोल्ड स्टूडेंट है, लगभग मुझे लगता है कि जो 5-6 में निकाला हूँ लिस्ट, जो हमें कॉल किए थे, बाकी लोग तो किए नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे रिड्यूस स्टूडेंट वो डेफिनेटली कॉल किए थे, जिनके मार्क्स अराउंड 70-75 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, सो दे आर डूइंग वेरी गुड। और उसके बाद उसमें आपका ये बता दूँ कि उन्होंने पूरा कोर्स जो है, हमारा फुल कोर्स जो है वो अच्छे से पढ़ा। उसके बाद वो हमें रिव्यू भी दिए कि सर मतलब आप लोग कोर्स अच्छा बनाए, जिसके वजह से हमारा मतलब टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स आ रहा है। तो सेम कोर्स हम लोग एवरेज स्टूडेंट जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको भी दिए, लेकिन वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, और बिलो एवरेज भी कुछ हैं जो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो क्या वजह है, वो एक वजह हम आपको बता रहे हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन मिस्टेक। और उसी पे हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं कि कैसे आप कैलकुलेशन मिस्टेक को रिड्यूस कर सकते हो और किस तरह से आप टेस्ट सीरीज को दो कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट का, वो सिर्फ रिवीजन करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन लगाते हैं और टेस्ट सीरीज को प्रॉपर नहीं देते हैं। सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए जब आप फुल लेंथ टेस्ट डायरेक्ट देते हो तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं, अराउंड 25-30 मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर वही आप कंटिन्यू करोगे, 10 से 12-13 टेस्ट दे दोगे, उसके बाद आप देखना आपका मार्क्स 30 से 50 होगा। लेकिन आपको प्रॉपर एनालाइज करने आना चाहिए टेस्ट सीरीज को, और कैलकुलेशन मिस्टेक को रिड्यूस कैसे करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैं बात करूंगा पॉइंट, वो है स्क्रबल पैड का। जो लोग भी कैलकुलेशन मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आउट ऑफ 65 क्वेश्चन अगर वो 50 क्वेश्चन टच करते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन ही सही हो रहा है, दैट मीन्स कि रिमेनिंग 20 क्वेश्चन जो है उसमें वो कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे, किसी भी टाइप का मिस्टेक किए होंगे जो उनको नहीं करना चाहिए था। कॉन्सेप्ट पता था उनको, सब चीज़ अच्छे से पढ़े हुए थे, सारा चीज़ मालूम था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो जो 20 क्वेश्चन जो बनाए उसमें उनका निगेटिव हो गया। अब आप बताओ, 20 क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर हर एक क्वेश्चन में अगर आप 3 मिनट लेते हो तो 20 × 30 दैट मीन्स 1 आवर का टास्क आपने बेकार कर दिया। क्यों? क्योंकि आप स्पीड में बनाने की कोशिश किए और जिसकी वजह से मिस्टेक हुई। तो जिनका भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है वो पहले तो अपना स्पीड को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जहां मिस्टेक ज़्यादा वहां पे स्पीड कम होना जरूरी है। आप ये मत सोचो कि आपको 65 क्वेश्चन टच करना है। अब देखो, जो 30 क्वेश्चन करेक्ट हुआ, अगर आप वही 1 घंटा बचा के स्लोली जाते तो हो सकता था 30 के जगह पे 40 क्वेश्चन आप करेक्ट करते, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव होता। तो सबसे पहले तो अपना जो स्पीड है उसको कम कीजिए, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, स्क्रबल पैड का प्रॉपर यूज़ कीजिए। लाइक अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और हमें मालूम है कि इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड और वो फटाफट हो जाएगा एक नॉर्मल फॉर्मूला पे है, ओके, तो आप फटाफट स्क्रबल पैड पे करके सॉल्यूशन निकाल देते हो, नो प्रॉब्लम। 1 मार्क्स का आप मैक्सिमम चांस है कि सही हो जाएगा, क्यों नहीं भी सही होगा, अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो ऑप्शन देखते हो, ऑप्शन से आप टिक मार देते हो।
लेकिन जब वही आपका क्वेश्चन, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, जब वो नेट टाइप क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है जिससे आप मैच कर पाओ। तो उस जगह पे आप जो निकाले हो वही आंसर आप पुट करते हो, और वो रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। और ज़्यादातर नेट टाइप क्वेश्चन में ही आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होता है या वो करेक्ट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना है, जितने भी नेट टाइप क्वेश्चन है, सपोज कीजिए 30 से 35 मार्क्स के अगर नेट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप स्क्रबल पैड पे एकदम प्रॉपर लिखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और स्क्रबल पैड पे सॉल्यूशन बहुत अच्छे से लिखना है। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिनका भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। तो नेट टाइप क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रॉपर सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब उसमें जैसे कैलकुलेशन आता है 20 × 5/10, तो आप डायरेक्ट वहां पे 100/10 = 10 मत लिखो, आप अच्छे से पूरा अच्छे से लिखो 20 × 5/10। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप रिविजन करोगे ना बाद में, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक को कैच करना है। अब डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेटर यूज करके आंसर लिख दिए हो, तो कैसे आप रिवाइज में उसको पकड़ पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, फॉर्मूला गलत लगा देना, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला गलत लगाने के वजह से भी आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। जहां पूछा है कि अगर पूछा है x की वैल्यू कुछ और आप कुछ और ले लिए और पता चला कि आंसर गलत आ गया या फॉर्मूला हम गलत यूज कर लिए, तो ये सब प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। और इसका बिगेस्ट रीजन यही है, घबराहट। अब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो कि अब हमको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब पता नहीं क्या होगा, इसी बार मतलब फोड़ देंगे, इस टाइप का आपको लगता है टेस्ट सीरीज में। लेकिन आप ये सोचो, टेस्ट सीरीज अभी आप गेट एग्जाम का पेपर नहीं दे रहे हो, टेस्ट सीरीज दे रहे हो, ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस में आप जितना काम रहोगे, जितना अच्छा से करोगे, उतना ही बेटर परफॉर्म करोगे गेट एग्जाम में। प्रैक्टिस में ही अगर घबरा जाओगे तो कहाँ से परफॉर्म कर पाओगे, समझ में आ रहा है। तो मेजोरिटी जो हमारे पास कॉल आए हैं उसमें बस यही एक बहुत बड़ा इशू था कि हम कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक को रिड्यूस करें। तो जो जिसमें भी आपका बल्की कैलकुलेशन आ रहा है, उसको आप स्क्रबल पैड पे बहुत अच्छे से नोट करो, ऐसे नोट करो कि अगर कोई दूसरा पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। बाद में क्या करना है, स्क्रबल पैड पे नोट कर दिए, 2.5 घंटे में आपने पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है या जितना भी आपको टाइम लगता है, उसके बाद 1/2 आवर में आप मार्क फॉर रिव्यू जो रखे हुए हैं, जिसमें आपको मिस्टेक होने के चांस होते हैं, उसको आप स्क्रबल पैड में एक बार रिवाइज करो, और ये सोच के रिवाइज करो कि आपका ये स्क्रबल पैड नहीं है, ये आपके दोस्त का है। अगर आप ये सोच के रिवाइज करोगे कि ये मेरा स्क्रबल पैड है, तो आप कभी भी उसमें इनकरेक्ट या फिर उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा हमने बनाया है मतलब सही ही बनाया होगा। तो ये दिमाग में नहीं रखना है, आपको ऐसा सोचना है कि इसमें गलत हो सकता है और ये मेरा नहीं है, तो आप उसमें एरर निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, करंट जिसे निकालना हो 20 × 5/5 है, आप सही से किए नहीं, वहाँ 5 लिख के चले आए, ये सब मिस्टेक होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पॉइंट में मिस्टेक हो जाता है। फिर कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि डिग्री में दिया पूछ रहा है नेट टाइप क्वेश्चन में, रेडियन में पूछ रहा है और आप डिग्री में दे दिए। कभी ऐसा हो सकता है कि पर यूनिट में पूछ रहा है, आप सीधे एम्पियर में दे दिए। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि आप एक तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, हमेशा नेट टाइप क्वेश्चन का लास्ट जो लाइन है उसको आप प्रॉपर पढ़ना कि लास्ट लाइन में लिख क्या रहा है, कहां तक हमको निकालना है, क्योंकि लास्ट लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है नेट टाइप क्वेश्चन का, उसी में वो घुमाएंगे यूनिट में, और आप पूरा स्टेप करते जाओगे और लास्ट में कुछ गलत करके वहां पे गलत आंसर लिख के चले जाओगे। तो नो डाउट आपका स्किल्स अच्छा है, आप बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए हो, आप पूरा सॉल्व करके निकाल भी दिए, लेकिन जिस यूनिट में पूछ रहा था वो यूनिट आपका ध्यान नहीं दिए और आंसर देके आ गया और आपका मिस्टेक हो गया। तो ऐसे ऐसे सिली मिस्टेक होते हैं, तो उस चीज को मिनिमाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप स्क्रबल पैड का प्रॉपर यूज कीजिए, और स्क्रबल पैड को ऐसा लिखिए जैसे आप नोट्स बनाते हैं। क्या होगा अगर एक क्वेश्चन को हम 3 मिनट में करते हैं, तो 3 मिनट 20 सेकंड जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 3 मिनट 30 सेकंड जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है, एक बार आप करके तो देखो। जहां आप 20 मार्क्स 30 मार्क्स का जो लूज कर रहे हो, मार्क्स जो लूज कर रहे हो, उसको बनाने में आपको 40 से 50 मिनट जो लग रहे हैं, वो आप स्लोली करके स्क्रबल पैड को प्रॉपर नोट करके जब बनाओगे, तो हो सकता है ना 5 से 6-10 मार्क्स आपका और बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखो और उसी हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है। तो मैं जितने भी कॉल आए थे उनको मैं बोला था कि हर एक अल्टरनेट डे आप टेस्ट दीजिए और उस टेस्ट का प्रॉपर एनालाइज कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज एनालाइज कैसे करना है वो मैं अच्छे से आपको बता रखा हूँ, पहले भी वीडियो बनाया था पिछले साल, कि टेस्ट सीरीज एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप टेस्ट दिए 3 घंटे का, आप 9 से 12 टेस्ट दे दिए सुबह, उसके बाद आपके मार्क्स है सपोज कीजिए 50,
तो रिमेनिंग 50 मार्क्स कहाँ जा रहे हैं? आप बोल रहे हो कि हम 10 सब्जेक्ट पढ़े हैं, 12 सब्जेक्ट पढ़े हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिमेनिंग 50 मार्क्स, वाई? तो वो चेक करना हमको जरूरी है। अब उसमें से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, अच्छा मशीन तो हमने पढ़ा था लेकिन जैसे ही हमारे पास इंडक्शन मशीन का क्वेश्चन आया हमसे नहीं बना। जैसे ही आपको समझ में आया कि इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन हमको नहीं बना, तो इंडक्शन मशीन किस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं बना, तो स्पीड कंट्रोल से नहीं बना। अच्छा स्पीड कंट्रोल से नहीं बना, फिर से हम देखेंगे नोट्स को, स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे और फिर क्यों नहीं बना सोचकर, और फिर उस कॉन्सेप्ट से दो तीन प्रॉब्लम हम लगाएंगे, वो होता है एनालाइज करना। समझ में आ रहा है? तो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ गए हैं उसी टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम को आप लेके उसको एनालाइज कीजिए प्रॉपर, और एनालाइज करने के बाद वो दिन आपको बस वही 65 क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन से भी दो क्वेश्चन फ्रेम करते हो या एक क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 65 × 2 कर दीजिए, 130 क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे उस दिन। तो 130 क्वेश्चन इन अ डे इज वेरी गुड, मतलब ठीक है, अच्छा है। अब 130 क्वेश्चन में आपका एडवांटेज क्या होगा कि 10-12 सब्जेक्ट जो है ना वो सारा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि 65 क्वेश्चन सिर्फ एक सब्जेक्ट से नहीं है। तो ये होता है प्रॉपर एनालाइज करने का। तो टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में वो तो 65 आप लगाओगे ही, प्लस 65 और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन जब लगाओगे तो वो पूरा दिन कंप्लीट होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करो, रिवाइज करो जो आप जिसमें वीक हो, जिसमें आपको लगता है कि नहीं थोड़ा हमको रिवीजन की जरूरत है, जैसे नेटवर्क है करने की जरूरत ही नहीं, रिवीजन सबका अच्छा होता है, लेकिन जहां कोर सब्जेक्ट की बात हो तो वहां पे हमको रिवीजन करना होगा, उसके लिए प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हमारे पास होना चाहिए। तो आप शॉर्ट नोट्स बना रखे होगे, अगर जेनिक के इनरोल्ड स्टूडेंट हो गए तो आपको बताया गया होगा कि किस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद वो आप नेक्स्ट डे जब रिवाइज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा हमने यहां मिस्टेक किया था, यहां पे ये प्रॉब्लम थी, यहां पे ये प्रॉब्लम थी। और जो भी आप मिस्टेक करते हो टेस्ट सीरीज में उसको शॉर्ट नोट्स में जरूर इंक्लूड करो। क्लियर हुआ? तो ये छोटा छोटा मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया हूं, और ज्यादातर मैं बात जो हमारे कॉल किए थे, हमें टेलीफोनिक कॉल आया था हमारे पास स्टूडेंट का, उसमें मैं बता दिया था। स्टिल मुझे लगा था कि नहीं जब इतना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो एक YouTube कम्युनिटी के लिए वीडियो जरूर आना चाहिए कि टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना है। हर एक अल्टरनेट डे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। या प्रैक्टिस कर रहे हो, रियल गेट एग्जाम में बैठे कहां हो, राइट? और एक और मिस्टेक स्टूडेंट कर जाते हैं कि टेस्ट सीरीज लास्ट में देते हैं, 15 जनवरी के बाद हम टेस्ट सीरीज देंगे। ऐसा भी हमारे पास कॉल आया कि सर अभी तक हमने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया। हम बोले इतना लेट क्यों, 15 टेस्ट आपको मिनिमम फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि पहला टेस्ट जब आप दोगे तो 30-35 मार्क्स होंगे, लेकिन जब 15th टेस्ट दे दोगे तो वही चला जाएगा 55, 60, 65। तो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आप किसी भी रैंकर से पूछो, बिना टेस्ट सीरीज का वो रैंक ला ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। कितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कितना भी रिविजन कर लो, कितना भी कुछ कर लो, टेस्ट सीरीज देने का जिसको आदत नहीं है वो अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। आज से फिर आप अल्टरनेट टेस्ट दो, मतलब आज तो ये वीडियो आप देखोगे, आज रिवाइज करो, कल सुबह आपका जो टाइमिंग है 9 से 12 या फिर 3 से 6 या 2 से 5 जो भी है, उस टाइम में आप टेस्ट सीरीज दो और उसको प्रॉपर एनालाइज करो, नेक्स्ट डे रिविजन करो, फिर टेस्ट सीरीज दो। 3 टेस्ट सीरीज जब दे दोगे तो उसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल को ऑन करूंगा। तो आई थिंक हम एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी दे दिए होंगे जो हमसे बात किए होंगे, 2 और टेस्ट सीरीज दोगे तो मुझे लगता है कि संडे मंडे को फिर मैं मोबाइल ऑन करूंगा और उस दिन फिर मैं आपका नेक्स्ट रिपोर्ट लूंगा और उस हिसाब से फिर एक वीडियो बना के आपको दूंगा। और भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है कि टेस्ट सीरीज कैसे एनालाइज करना है या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट कीजिए नीचे, हम आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादातर अगर कमेंट आएगा कॉमन प्रॉब्लम का तो उसका मैं एक वीडियो भी आपको बना के दूंगा। तो ये जुड़े रहिएगा जेनिक के साथ। पिछले ये जो एक महीना जनवरी है इसमें मैं कुछ थोड़ा बहुत जैसे टिप्स आज दिया हूँ उसी हिसाब से आपका और भी कुछ नया आपका वीडियो आएगा, वो वीडियो को आप देखते रहिए। और क्या कहते हैं, जो भी EE के स्टूडेंट हैं हमारे इनरोल्ड हो या YouTube कम्युनिटी के हो, पावर सिस्टम का एक बहुत अच्छा हमको क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा यूट्यूब पर, तो उसको भी जरूर आप देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं। आप बोलोगे तो मैं वो क्वेश्चन रिवील अभी नहीं, मैं बनाता हूँ उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, उसको आप जरूर देखना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए, जो भी डाउट है, जो भी आपको इशू है वो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपको लास्ट 15 डेज, लास्ट 20 डेज में हेल्प कर पाए। ओके, तो थैंक यू।